पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सरकार, आप कितने दयालु और कितने विद्वान हैं। आप तो शिरडी की शान है। चापलूसी करना बंद करो और क्या चाहिए बोलो। सरकार, आज सुबह एक बूढ़ी औरत लंगड़ाते हुए हमसे उस फकीर का पता पूछ रही थी। उसके पांव में दर्द था, शायद उसका इलाज वो उस फकीर से करवाना चाहती थी। फिर हमने उसे समझाया कि वो फकीर तो ढोंगी है, असली वैद्य तो हमारे कुलकर्णी सरकार है। तुम्हारे इस पांव का दर्द का इलाज उस फकीर के बस की बात नहीं है। अच्छा पहली बार तुम दोनों ने कोई अच्छा काम किया है। कहाँ है महिला, बुलाओ उसे। सरकार, हमें लगा आप रात को आएंगे, इसलिए हमने उसे वापस भेज दिया। बोला कि दवाई हम लेकर आते हैं। ठीक है, दे देता हूँ दवाई, लेकिन उपचार और दवाई के 2 रुपए तो लिए है ना उससे तुमने। सरकार, बहुत गरीब थी बेचारी, शायद पैसे नहीं दे सकती, इसलिए उस फकीर से मुफ्त में इलाज करवाना चाहती थी। तो हमने उसे कहा हमारे सरकार भी गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। मुफ्त में जी, तो उस महिला के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। सरकार, आपके लिए जरा सोचिए, अगर आपने किसी का इलाज मुफ्त में किया तो लोग उस फकीर के नहीं आपके गुणगान गाएंगे। हाँ सरकार। हाँ। सुबह से देख रहा हूँ तुम दोनों का व्यवहार पूरी तरह से संदेहास्पद है। इसने मजदूरों के कपड़े पहन रखे हैं, तुमने कुछ अधिक ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, मुझे मेरे घर में घुसने से मना कर रहे हो। अब ये निशुल्क उपचार, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों की, बताओ क्या बात है। कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। खुद की चिड़िया के पर गिन लेता है ये कुलकर्णी सरकार। यदि पता चला तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो तो प्राण लेने से पहले दोबारा सोचूंगा नहीं। दो रुपया दो और औषधि लेकर जाओ। दो रुपए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।